ये देखो भाई कितना खतरनाक डिज़ाइन है भाई। ये होटल अभी भी चलता है भाई, यहाँ लोग अभी भी ठहरते हैं भाई, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ऐसे होटल हुआ करते थे, अब तो देख रहे हो, अब तो भाई बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल भयंकर बन रहे हैं। अब तो देख रहे हो इस टाइम के होटल ऐसे हैं भाई, और उस टाइम के होटल ऐसे हैं। तो पता नहीं कितना पुराना होटल होगा, मुझे नहीं पता भाई, मगर बहुत पुराना होटल है भाई ये। 2013 के टाइम पर भी टूटा नहीं है ये, टूटा क्यों नहीं होगा, मैं रिपेयर किया होगा उसे दोबारा। तो बहुत पुराना है भाई ये, बहुत भयंकर भाई। और ये नए बन रखे हैं आजकल, ये भी नए बन रखे हैं। तो देख रहे हो भाई इतनी खतरनाक बारिश आई, इतनी खतरनाक बारिश आई, देख रहे हो भाई कितनी खतरनाक पानी आ रहा, देख रहे हो अब। यार मेरा मन ही नहीं लग रहा था, पता है अभी काफ़ी वक्त है भाई, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा और घूम लेते हैं, थोड़ा केदारनाथ भाई यार ढंग से घूमेंगे, क्योंकि भाई मैं आज काफ़ी सुबह आ गया था, ठीक है ना, और बारिश लगने की वजह से मैं थोड़ा घूम नहीं पाया, और थोड़ा वक्त बचा है इस समय, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो आरती से पहले, आरती के टाइम पे आ ही जाऊँगा मैं यहाँ पर वापस, थोड़ा घूम लेते हैं। तो आपको अगर यहाँ घूमना है भाई, इस जगह पर घूमना है, तो यहाँ से रास्ता आता है, देख रहे हो आप, केदारनाथ ऊपर के लिए जाता है, और यहाँ पर से सीधा इधर आना है आपको। यहाँ पर ये पुल दिखेगा आपको, ये पुल हाल ही में नया बना है, पहले यहाँ पर काफ़ी छोटा पुल था। ये रास्ता भाई देखो, पहले जो 2013 के टाइम पे ये वाला रास्ता था भाई, केदारनाथ वाला, मतलब ये वाला रूट था पहले भाई, ठीक है, केदारनाथ जाने के लिए। अब वो नया रूट बन गया, क्योंकि 2013 के टाइम पर ये रास्ता पूरा टूट गया था, क्योंकि भाई मैं गलत रास्ते नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ सही रास्ते, मगर अभी ये रास्ता बना नहीं, इस रूट पे कोई जाता नहीं है वैसे, ठीक है ना, बहुत कम लोग जाते हैं भाई। काफ़ी लोगों को पता होगा, आपको पता होगा, काफ़ी लोगों को पता होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर, कि इसके ऊपर यहाँ से लगभग ये चढ़ाई लगभग 7 या 8 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है भाई, ठीक है ना, मतलब बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई। यहाँ पर भी एक तार आता है भाई, हमें इस दूध गंगा को पार करना है, तो पार करें तो करें कैसे, समझ ही नहीं आ रहा पहले तो, है ना, क्योंकि भाई पानी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इस पानी को पार कैसे करना है, मेरे तो बात ये समझ नहीं आ रही है, मुझे वापस जाना पड़ेगा भाई यार, मुझे वापस जाना पड़ेगा। एक और रास्ता है, ऐसे नहीं कि ये रास्ता नहीं है, पानी थोड़ा ज़्यादा है भाई, इसलिए मैं इस रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने चाहता हूँ कि मेरे कपड़े गीले हो जाए, ठीक है ना भाई, क्योंकि पानी भी इतना ठंडा है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ, यहाँ वहाँ जाने के लिए दूसरा रास्ता भी है, और और यहाँ अगर कपड़े गीले हो गए एक बार तो भाई फिर सूखेंगे भी नहीं, क्योंकि लगभग भाई 5 या 5:30 के आसपास हो गया, 5:30 बज चुके हैं, तो कपड़े नहीं सूखेंगे भाई, ठीक है ना, तो मुझे बच बच के जाना, पानी से बच बच के जाना है मेरे को। तो मैं वापस जा रहा हूँ, दूसरे रूट से जा रहा हूँ। तो भाई मैं दूसरे रास्ता आ गया पुल से, ये पुल से दोबारा वापस आया मैं, तो यहाँ से एक और रास्ता जाता है, और इस रूट पे पानी आ रहा है, मगर इतना पानी बहुत कम पानी है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे। बस बारिश ना आए भाई, और चीज़ ना बारिश नहीं आनी चाहिए, बारिश आएगी मैं भीग जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने साथ कुछ लेके नहीं आया, वो सब टेंट के अंदर है भाई। ये आ गया पुल, उस पुल को पार करना है, पानी देख रहे हो पानी कितना तेज आ रहा है,
और यहाँ से रास्ता कहाँ से होगा? थोड़ा कंफ्यूजन है भाई, रास्ते का पता नहीं है, रास्ता ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, कहाँ पर है रास्ता। चलो रास्ता मिल गया भाई, तो देख रहे हो भाई ऐसे ही खड़ी चढ़ाई है। मैं केदारनाथ के इस साइड आ गया हूँ, केदारनाथ मंदिर वो है, भाई पूरी खड़ी चढ़ाई, पूरी खड़ी। देखो ये चढ़ाई देखो, ये देखो, मुझे कल इस ट्रैक पे जाना है, ठीक है। दूध गंगा वो दिख रही है यहाँ पर, ठीक है भाई। वहाँ से होके निकलना सीधा ऊपर, और इस साइड है भाई। अभी मैं आपको लेके पता कहाँ चल रहा हूँ, हमारे पीएम मोदी जी की गुफा दिखाने लेके जा रहा हूँ मैं आपको। उन्होंने तपस्या कहाँ पर की थी, उसके लिए रूट ये जाता है। सोचो मैं तो अभी फील कर रहा हूँ, कल इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा भार होगा मेरी पीठ पे, और मैं उसे लाद के जाऊँगा सीधा ऊपर। लगभग नहीं भी होगा वो, शायद से 20 किलो के आसपास का होगा जो मैंने बैग अपने पीठ पे रखा है। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, वो मेरा वहीं है उधर केदारनाथ बाबा के, वहीं पर छोड़ रखा है मैंने अपना सामान, कोई चोरी ना कर ले बस। तो देख रहे भाई केदारनाथ कितना नीचे छूट चुका है, ठीक है ना। यहाँ से देखो कितना भयंकर लग रहा है केदारनाथ, लग रहा है ना भाई। और मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ भाई मैं, तो भाई हम पहुँच ही चुके हैं। तो भाई देख रहे हो यहाँ पर हमारे पीएम मोदी जी ने यहाँ पर तपस्या की थी यहाँ पर, ठीक है। ये वही जगह है और यहाँ के लिए रास्ता ही बनाया गया है भाई, ठीक है। हम पर शायद से चप्पल उतारनी पड़ेगी यार। तो देख रहे हो भाई ये गुफा है, पहले ये गुफा थी, अब इस पर पूरा ये बनाया गया है भाई, घर टाइप का बनाया गया है पहले, ये पूरी पहले गुफा थी और शायद से यहाँ कोई रहता है, शायद से कोई बाबा रहते होंगे कोई। मगर देख रहे हो आप, पहले ये गुफा थी, अब इसे घर का आकार दिया गया है इस गुफा को। यहाँ पर लाइट लूट भी लगाई गई है भाई अच्छी तरह से, वाह भाई। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारे पीएम मोदी जी ने यहाँ पर तपस्या की थी, और क्या है यहाँ पर, एक और वहाँ पर एक और गुफा टाइप की, एक और घर टाइप का वहाँ पर, वहाँ पर के बारे में मुझे कुछ इतनी नॉलेज है नहीं भाई। यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं यहाँ पर, हाँ हाँ भाई। मैं तो सोच रहा हूँ कल ऐसे ऐसे कैसे नाप पाऊँगा भाई मैं, देख रहा हूँ। एक तो मेरे पास काफ़ी भारी बैग है, देखते हैं भाई, कल की बात कल ही है, अब कल बारिश आ जाएगी फिर फायदा क्या बात बोल के, कल की बात कल ही है। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ अपने टेंट, जहाँ मैंने टेंट लगाया वहाँ पर जा रहा हूँ दोबारा मैं।